हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सर्विका सिंह में। तो इस चैनल पे हम आज पहला ब्लॉग डाल रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा कुछ दिखाने की कोशिश करें। तो इस ब्लॉग में मोस्टली हम, मतलब मैं और मेरे दो बच्चे दिखाई देंगे, सौर्य और वंशिका दिखाई देंगे। और कोशिश ये करेंगे कि रूटीन आपको सुबह से शाम तक का और रात तक का दिखाएं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप सबको दिखाएं। तो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है और थोड़ी देर के बाद 1 बजे तक शौर्य आएगा घर पे, फिर मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू आपके साथ में करूँगी। तो ब्लॉग पे पूरा बने रहिए और देखते रहिए, मेरे साथ में रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करिए, अपना प्यार दीजिए। बाय बाय। तो आइए देखते हैं दरवाजे पर कौन है। ओहो, शौर्य है, ये तो गुस्से में है। क्या हुआ बेटा, काहे गुस्से में है? क्या हुआ? अच्छा चलो, ये देखो डांस कर करके ये कपड़े निकाल रहा है। इस तरह से डांस कर करके निकालोगे कपड़े? डांस भी हो रहा है, कपड़े भी निकल रहे हैं। बटन खोल दे बेटा। क्या हुआ स्कूल में आज बताओ? आते ही पहले अमरूद खाओ। हाँ, अमरूद बहुत पसंद है क्या? जितना कल बताया। अच्छा, क्या स्कूल में हुआ तुम्हारे, बताओ? आज टेस्ट दिया गया था यूटी का। टेस्ट हुआ? टेस्ट दिया गया था, कैसा हुआ है? अच्छा, दीदी दिखी थी स्कूल में? नहीं, आज नहीं दिखी। लंच पूरा किया? दोस्तों को दिया आपने? शेयर किया सबके साथ? सारे बच्चे कहते तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपने कुछ खाया कि नहीं? खाया। कितने खाए? 5-2 दे दिया। अच्छा, तो चलिए शौर्य का खाना निकाल लेते हैं और उसे भूख लगी होगी तो फटाफट निकाल लेते हैं, फिर उससे बातें करते हैं क्या क्या स्कूल में हुआ। तो चावल निकाल लिए, आज हमने कढ़ी बनाई थी और ये हम इसके साथ थोड़े से आलू के पकोड़े तल लेते हैं, क्योंकि कढ़ी के चावल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सबके यहाँ पता नहीं ये बनता है कि नहीं बनता है, पर हमारे यहाँ जब भी कढ़ी चावल बनता है तो ये ज़रूर बनाया जाता है और इसके साथ में पापड़ भी होता है, तो ये शौर्य को बहुत पसंद है। तो लीजिए, हमारा पकौड़ी तैयार हो गया और हमने ये पापड़ रख लिए, अब इसको खाना दे के आते हैं। कढ़ी चावल पसंद है? है? पसंद है। क्या है? इतना अमरूद पसंद है, उससे रात को ये पसंद है। है? अपने आप से नहीं मांगा जाता, आप खिलाओ। हाँ। चलो ठीक। देखिए इतना बड़ा बच्चा हो गया, ये खुद से खाना नहीं खा रहा है, मेरे से खाता है ये लड़का। हाँ, मम्मी के हाथ से अच्छा लगता है? हाँ, अपने हाथ से स्वाद नहीं अच्छा लगता है, मम्मी के हाथ से बढ़ जाता है। भूख भी नहीं मिटती। भूख नहीं मिटती है? वो मेरे राजा बेटा। चलो खाना जल्दी से फिनिश कर लो, फिर थोड़ा सा आराम करके होमवर्क करते हैं। ठीक, गेट खोलो। हाय हाय हाय, कैसा रहा स्कूल? ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ, बाय। नहीं निकाली बेटा? अच्छा सुनो तो। हाँ बताओ। सेक्टर आई में ना वो क्या हुआ? सेक्टर आई में ना सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको चलना है। मम्मा चलोगी ना? क्या होगा? मेरा भी सैटरडे को कहीं सैटरडे को पीटीएम भी है और सैटरडे को 2 बजे वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, 90% वालों का? अरे वाह, सम्मान किया जाएगा क्या? हाँ। सम्मान दिया जाएगा? हाँ। अब
प्राइज भी मिलेगा। और सरिका के 93% आए हैं, इसकी खुशी में सरिका को सम्मान दिया जाएगा सैटरडे को, तो आप सबको भी हम दिखाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो सुबह से आज मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी हल्की धूप हो रही है, और मैंने कपड़े धोए थे, अभी बारिश हो गई थी फिर मैंने हटा दिए थे, अब थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो इसे मैं डाल लेती हूँ। बारिश के दिनों में अक्सर ये परेशानी हो जाती है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कपड़े तो जैसे बहुत मुश्किल से सूखते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं, कल